अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अरबाब कशी एक मरतबा फिर। और आज हम एक मरतबा फिर से आ गए हैं मोहसिन साहब की तरफ अल हासा सिटी में। एज यू कैन सी विद मी मिस्टर अली। अली साहब, इंतज़ार हो रहा है इस टाइम मोहसिन साहब को, तो जैसे ही आता है तो फिर आपकी हम उनसे मुलाकात करवाते हैं और आपको बताते हैं कि मोहसिन साहब हमारे प्यारे भाई, हमारे बड़े भाई, आखिर वो क्या सोच के आज हमें क्या पार्टी देने वाले हैं, तो देखते हैं। लेट्स सी, हमारे साथ वेट करें आप भी। फाइनली गाइस, जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ चुका है और मोहसिन साहब पहुंच चुके हैं। इस गाड़ी में आए हैं मोहसिन साहब, तो इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये आखिर आ कहां से रहे हैं। हमें इतनी जल्दी बुला के खुद लेट आए हैं। ये देखें, ये मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, सर सर कैसे हैं? सर कैसे हैं? ये देखिए जी, मोहसिन साहब आ गए। ये मोहसिन साहब आ गए, ठीक है। ये छोटे क्यों हो गए? उतने हो गए, खिलाओ जरा। ये देखिए, आप ही दिखा। हाँ, ये देखें जी, अली साहब मिल रहे हैं मोहसिन साहब से। सो गाइस, इस टाइम जो है डिनर का टाइम हो गया है और हमारे साथ जो है, अभी टाइम क्या हो गया इस टाइम? बज गए 11। 11 के करीब टाइम हो गया सऊदीया में और हम आज खाना खाने के लिए आए हैं वन ऑफ द फेमस मॉल इन अल हासा सिटी, एंड दैट इज उसेम मॉल। सो अभी चलते हैं अंदर, आके जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। क्या गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जुमा हमने पढ़ लिया है और अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है मोहसिन साहब, आप जरा बताएंगे हमें? नेक्स्ट प्रोग्राम हम अभी जाएंगे, गाड़ी पे बैठेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग टूवर्ड रेस्टोरेंट जाएंगे। पहले हम करेंगे खाना खाएंगे पहले, ठीक है, पेट पूजा पहले, काम दूजा बाद। ठीक हो गया यार, एक तो मौसम बड़ा रोमांटिक और बड़ा मज़ेदार हुआ है माशाल्लाह, मतलब फैमिली को लेके घूमने वाला मौसम है। चारों तरफ देख सकते हैं आप, सहरा है, मतलब रेगिस्तानी इलाकों में देखे दूर दूर आपको घर नजर आ रहे हैं। और चलें, 200 मीटर पे घर है, 100 मीटर पे घर है। तो अभी चलते हैं भोजन पानी करने। अली साहब, आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बताएं कि आपको ज्यादा भूख लगी हुई? मुझे रात वाला पिज्जा हजम नहीं हुआ, इसलिए मैं अच्छा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। और ये आप बहुत गलत जगह से जा रहे हैं, आपको पता है आपका पाँव जमीन में धंस सकता है। तो गाइस, अभी यहाँ से गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, चलें फिर। तो गाइस, फाइनली गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और अभी यहाँ से हम कहाँ पे जाएं, कौन से रेस्टोरेंट पे जाना है, रेस्टोरेंट का नाम बता दें। रेस्टोरेंट जनाब जी, इनी मिनी मीना मो करो, इनी मिनी मीना पो उलो पो द लोलो पो। जी अली साहब, आप बताएं, आप तो यहाँ के पुराने बासी हैं, बासी रोटियर का मुँह है थोड़ा, कहाँ पे मतलब जाना है बताएं मुझे। ओके, ठीक है, राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है, देन किदा किदा बादन सीधा, बादन सीधा दाता दरबार आ जाएगा। दाता दरबार बेटा, ये दाता दरबार लाहौर में आई गेस, ये अल हासा सिटी में नहीं है। इसका एक ब्रांच, चलो चलते हैं यार, एक ब्रांच हमने अल हासा में भी खोली है। तो चलते हैं और देखते हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी ले चले हमें। Thank you.
फाइनली हमें रेस्टोरेंट मिल गया है और आप देख सकते हैं। हाँ जी मोहसिन साहब, रेस्टोरेंट मिल गया हमें काफी देर के बाद, खजलखारी करने के बाद तारीखी रेस्टोरेंट पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बेहतरीन किस्म की मंदी मिलती है, आप देख सकते हैं जी मंदी, यहाँ पर हम खाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कितनी देर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और हम आपको बताते चलें, इस टाइम जो है हमारे साथ अली साहब। अली साहब, आपकी इस टाइम क्या है, जैसे कहते हैं कि फीलिंग्स क्या है आपकी, ये जो सुखी मंदी तुसी खाण लगे बगैर मैं चल। मैं ही तो उन्होंने लाना है, तुम्हारी फीलिंग ऐसी तकनी तकना चाह रहे हैं, तुम्हारी की फीलिंग। 8 महीने के बाद पाकिस्तान में खजलवार होने के बाद वंस अगेन वी आर इन सऊदी अरेबिया एंड वी विल। मौसम बहुत रोमांटिक हुआ हुआ है, मेहमान आए हैं, नजीब गोंडल साहब भी आ गए हैं, तो इनसे भी मिलते हैं, इनसे पूछते हैं इनके क्या तासुरात हैं। और ये देखिए नजीब गोंडल साहब, आफ्टर लॉन्ग टाइम ही जस्ट ज्वाइन आवर स्क्वाड। ये देखो जी क्या चल है जी, नई जगह लब ली आज। यस यस, नई जगह ढूंढ ली है तो हम आपको वेलकम करते हैं, तो चलते हैं फिर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम हम बैठ गए हैं और खाने का वेट हो रहा है। मोहसिन साहब ने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, वहां से खिड़की खुल चुकी है और यहाँ से हमें थोड़ी देर में एक सप्लाई मिली है। वो देखें सप्लाई आ गई हमारी और मोहसिन साहब जा रहे हैं सप्लाई लेने के लिए, तो देखते हैं। ये है सऊदी लबन। तो हम इस टाइम सेंटर हफूफ में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ की मार्केट है, चूंकि जुम्मे की वजह से बंद है। ये देखें कच्चे मकानात हैं, यहाँ पे ऐलान लिखा हुआ, एक ऐलान अरबिक में है, तो पढ़ तो नहीं सकते, तर्जमा पढ़ तो सकते लेकिन तर्जमा नहीं पता इसका। खैर छोटी छोटी गलियां हैं और आगे मार्केट है। ये देखें पुराने मिट्टी के बने हुए घर। बेसिकली अलहासा की जो इनकी सकाफत है, कहते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है ये अलहासा जो है। बड़ी बड़ी गलियां छोटी छोटी, सामने जो देखें आप नज़र आ रहा है ये शॉप है, ये शॉप का डोर है। ये देखें सारी मार्केट है जो कि जुम्मे की वजह से बंद है, वरना यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है। ये मस्जिद है, ये मीनार है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा। ये सारी मार्केट है जो कि जुमा की वजह से बंद है, यौमुल जुमा। छत देखें कैसी मज़ेदार, क्या बात है। ये देखिए ये छत देखें बिल्कुल वो पुराने जिस तरह, ये कौन सी छत है, कि बांस की छत है।
तो गाइस ये था आज का व्लॉग जिसमें हमने आपको थोड़ी सी झलकियां दिखाई हमारे अल्हासा सिटी की। होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। खाना आपने देखा, बहुत ही मज़ेदार खाना था। मोहसिन साहब ने काफ़ी खिदमात जो है हमारे खाने से रिलेटेड हमारे खाने से रिलेटेड सर अंजाम दी हैं, तो मोहसिन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हासा सिटी आपको पता है, जैसे कि आपको बताया है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन सऊदी अरेबिया, और यहाँ की एक अपनी तहजीब है, यहाँ के अपने मामलात हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब पुराने ज़माने के जो है यहाँ पे अमारात आपको काफ़ी मिली हैं। अमारात कहते हैं, इमारतें कहते हैं, जो भी कहते हैं। खैर, तो चले मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।